नागौर में लॉकडाउन से प्याज उत्पादक किसानों के हाल फिलहाल बेहाल है। जी हां, एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव पारस गुर्जर ने सरकार से मांग की कि किसानों के प्याज की फसल पूरी तरीके से तैयार है, जो कि अब खेत में ही सड़ने की कगार पर है। इसलिए सरकार किसानों के प्याज खरीदे और खरीद भी समय पर शुरू करे। सबसे ज़्यादा मुसीबत के अंदर है वो किसान है, क्योंकि किसान ने प्याज का जो उत्पादन है वो ले लिया है और आज लॉकडाउन की वजह से प्याज को कोई खरीदने वाला नहीं है, मंडियों के अंदर कोई खरीदार नहीं है। ऐसे में किसान के पास ना भंडारण की व्यवस्था है, ना कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। किसान ने जो जमीन से खोद करके प्याज निकाला वो ऐसा का ऐसा जमीन पे ढेरी बना करके पड़ा हुआ है, और वो प्याज अगर 10 दिन तक इसी प्रकार इस भयंकर गर्मी में पड़ा रहा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो प्याज गल जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको किसान के पास एकमात्र चारा बचेगा कि उस प्याज